Hey guys, welcome back to my channel. This is me, Ankita, and thank you so much for these 500 subscribers. Thank you so much. और मैंने जो 500 subscriber का giveaway है वो अपने Instagram में उसका winner भी announce कर दिया है. So if you are not following me there, go follow me there. Link is in the description box. और I hope आप लोग कोई भी मुझसे नाराज नहीं होगा. Please मत होना, because I will keep hosting giveaways like in every 150 subscribers for now. So please मेरे से गुस्सा मत होना. और आज जो मैंने ये वीडियो बनाया है, ये वीडियो है फॉर रक्षाबंधन, फॉर रक्षाबंधन डे टाइम लुक काइंड ऑफ थिंग. जब हम मिलने जाते हैं या भैया लोग घर आते हैं उस टाइम के लिए, लाइक अ सॉफ्ट ग्लैम मेकअप लुक. मैंने बहुत ज़्यादा इसको, जिसको बोलते हैं ना, ड्रामेटिक, तड़कीला भड़कीला नहीं बनाया है. इट्स वेरी सॉफ्ट, सिंपल एंड यूजिंग ओनली 5 प्रोडक्ट्स, एक्चुअली 6. थोड़ी सी चीटिंग है क्योंकि मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि पहले मैंने 5 ही लिए थे बट मैं एक चीज़ भूल गई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी और मुझे 6 करने पड़े. सो सॉरी फॉर दैट. सो लिटिल बिट ऑफ चीटिंग इज अलाउड आई थिंक. और सो फाइनली देखते हैं कि मैंने ये लुक कैसे किया है. सो गाइज, आई एम स्टार्टिंग ऑफ बाई यूजिंग दिस इज लैकमे 925 वेटलेस मूस फाउंडेशन एंड माई शेड इज़ हनी ड्यू. मैं रीज़न ये यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही नेचुरल फिनिश देता है. एंड आई थिंक जब आप किसी फैमिली मेम्बर के साथ हो या फिर ऐसे त्यौहार पड़ता है, आई थिंक आपको नेचुरल दिखना ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि नेचुरल में ही अच्छा लगता है ना. तो इसलिए सो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ दिस. ओके, सो मैंने ये लगा लिया है. पता नहीं मैं इतनी जल्दी क्यों कर रही हूँ. मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कोई 5 मिनट चैलेंज कर रही हूँ, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है. आई एम जस्ट एक, मैं चाहती हूँ कि सिंपल मैं आपको बताऊँ ताकि यू नो एवरीबडी कैन डू इट. सो ये हो गया. अगर आपको थोड़ा और कवरेज चाहिए, यू कैन गो फॉर अ लिटिल मोर. इट्स रियली नाइस. आप बिल्डअप कर सकते हो ये लैक्मे 925 को एंड यू नो ये केकी या ग्रीसी या फिर ऐसा पाउडरी क्या, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा. अ लिटिल बिट अंडर द आईज. क्योंकि हम कंसीलर नहीं यूज करने वाले हैं, बिकॉज दिस इज अ नेचुरल लुक. एंड दैट्स इट. तो आप देख सकते हो मेरे नेक और फेस का कलर उतना चेंज नहीं हुआ है. ओके, सो अगर आप फाउंडेशन लगाते थे देन प्रॉब्ली आपको शायद नेक का कलर भी चेंज करना पड़ता. सो दिस इज डन. नाउ आई एम गोइंग टू सेट दिस विद द फिट मी लूज पाउडर. ये तो आधी जनता को पता चल गया होगा कि ये मेरा फेवरेट पाउडर है. तो मैं इसे सेट करने वाली हूँ यूजिंग ब्रश अंडर आइज पे. मैं ज़्यादा लगा रही हूँ और उसको बेक करूँगी. रीज़न है कि मैंने कंसीलर यूज़ नहीं किया है एंड दिस पाउडर गिव्स अ लिटिल बिट कवरेज ऑल्सो. तो इसलिए आई वुड रियली सजेस्ट कि आप इसको जहाँ आपको कवरेज की भी थोड़ी ज़रूरत है वहाँ लगा सकते हैं. इट इज़ गोइंग टू वर्क रियली वेल. तो मैंने ऑलमोस्ट पूरा ही फेस बेक कर लिया है बट फिनिश बहुत अच्छा रहता है इसका. सो दैट्स इट. और तब तक मैं फिल कर लेती हूँ अपनी आईब्रोज. सो ये मेरा 3rd प्रोडक्ट है और ये एक्चुअली एक मल्टीटास्किंग प्रोडक्ट होगा क्योंकि यहाँ आपको एक लाइनर मिलेगा और आपको यहाँ एक आईब्रो पेंसिल मिलेगी. सो यू ऑलवेज हैव टू लुक आउट फॉर. टूट गया, बस निकला है आई थिंक. सो यू ऑलवेज हैव टू लुक आउट फॉर अ स्टफ जो यू नो मल्टीटास्क कर सके. सो जस्ट फिलिंग अप द आईब्रोज जब तक कि आपका बेक हो रहा है. डोंट गो वेरी डार्क क्योंकि ये एक ऑलमोस्ट मैं कह सकती हूँ डे टाइम लुक है. जब आप एक्चुअली यू नो राखी आखी बांधने जाते हो और लाइक अ गेट टुगेदर, एवरीबडी इज लाफिंग एंड ऑल ऑफ दैट. सो आपको एकदम ऐसा नहीं लगना है कि लोग ये सोचे कि अरे बाप रे कितना वो एकदम ओवर डू करके आना है आपको. डोंट वॉन्ट टू लुक दैट. सो दिस इज ऑलमोस्ट डन.
और अब मैं यूज करने वाली हूँ ये, मेरा फेवरेट पैलेट है ये. और पहले मैं ये पूरा डस्ट कर लेती हूँ. ये आप देख सकते हो थोड़ा सा कवरेज भी आ गया, मैं डस्ट कर रही हूँ उसके बाद भी. सो दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट दिस पाउडर. अगर आपके पास टाइम नहीं है आप सिर्फ ये पाउडर थोड़ी देर सेट करने के लिए छोड़ दो एंड इट इज गोइंग टू गिव यू अ रियली नाइस कवरेज. नाइस बट एट द सेम टाइम वेरी नेचुरल कवरेज. ओके दिस इज डन. और अब मैं यूज करूंगी ये वाला पैलेट और मैं ये कलर यूज करने वाली हूँ फॉर कंटूरिंग लिटिल बिट. वार्म दिखना जरूरी है. इसी पैलेट से मैं यूज करूंगी ये हाइलाइटर शेड टू हाइलाइट. Okay, so that is done. और अब मैं यूज करने वाली हूँ इसका पिंक कलर ऐसे विथ माई fingers. Just put it on like this. Don't worry, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे ये basic pink कर रही है. I am going to do some things जो आपको ये कि नहीं ये अच्छा eye shadow हो सकता है. तो ये आप fingers से कर लो. Okay. फिर उसके बाद इसी शेड का हाइलाइटर यूज करके, मतलब इसी पैलेट का हाइलाइटर यूज करके आपको अपने आई लिड्स पे लगाना है उस पिंक को कवर करके. ओके सो यू विल गेट लाइक अ पिंक लुकिंग टाइप ऑफ आई शेडो अलोंग विथ सम ग्लिटर. नॉट ग्लिटर, जस्ट लाइक अ शिमरी काइंड ऑफ आई शेडो. दैट्स इट. कैन यू सी दैट? हाँ, एलिगेंट इट इज लुकिंग. ओके और फिर उसके बाद आपको चाहिए ये वाला प्रोडक्ट वापस से और आप इससे लाइन कर लो. डोंट गो फॉर विंग. आई थिंक विंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन द डे टाइम बट आपकी विश है. मैं सिंपल आई लाइनर करने वाली हूँ. ओह वाओ, मैंने कैमरे में देख के ही आईलाइनर लगा लिया. आई डिडंट यूज द मिरर एट ऑल. ओह माय गॉड, आई एम सो प्राउड ऑफ माय सेल्फ. पर ऐसा नहीं है, मिरर की जरूरत है मुझे. मिरर देखना है. सो हियर आई एम. ओके नॉट बैड यार, आई रियली लाइक इट. Okay, that's it. So now we have done the eyeliner also and अब बारी आती है lipstick की. Lipstick के लिए मैंने ये use किया है. This is Nykaa molten matte और ये मैंने इसलिए use किया because this can be used in cheeks also. So thank you.
This is the finished look, guys. No, just a second. Flash of color. And that's it. Okay. इसको सूखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. So guys, मेरे से हो गई है एक गलती और वो ये है कि एक प्रोडक्ट मिस हो गया है एंड दैट इज मस्कारा. और मुझे थोड़ी सी चीटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि मस्कारा इज रियली इम्पोर्टेंट और बहुत जरूरी. And this mascara is like so good. Can you see this? आप देख सकते हो difference. This is so good. Use a mirror. Okay. So that was it, guys. And so guys, अब मैं थोड़ा सा और तैयार होकर आती हूँ और आपको अपना final look दिखाती हूँ. So guys, this is the final look. और ये मैंने earrings लगा ली हैं और बाल थोड़े से ठीक कर लिए हैं. That's it. क्योंकि मुझे पसंद है बाल खुले छोड़ना. So that's completely your choice what you want to do. So this is the final look and I'm totally loving it. I hope आपको भी look अच्छा लगा होगा. और अगर अच्छा लगा है तो please मेरे channel को subscribe कर देना, bell button को click कर देना. And मैं आपसे मिलती हूँ मेरे next video में. Till then, this is me, Ankita, saying goodbye.